अगर आपके पास इन दो चीज़ों की कमी है तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि आप सही में रेडी हो शादी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिक जंक्शन। और आज जिस बारे में बात करेंगे वो है चेकलिस्ट बिफोर मैरिज। ऐसे दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप शादी के बारे में सीरियसली सोचना चाहते हो। लाइफ में सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो फ्यूचर की बात हो या प्रेजेंट की। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें हम इंश्योर कर सकते हैं ताकि लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाए, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइफ इज चैलेंजिंग और हमें वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना है। लेकिन ऐसे स्टूपिड चीज़ें करने से हम बच सकते हैं जिससे हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स लाइफ में कम हो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, मैं चाइल्ड मैरिज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं लाइक अंडरस्टैंडिंग हो गया, कंप्रोमाइजेस, सेक्रीफाइस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे वाइफ या फिर हस्बैंड फ्यूचर में कैसे हो। बिकॉज पीपल चेंज लाइक सीजन्स, पीपल डोंट चेंज लाइक सीजन्स, देयर प्रायोरिटीज डू। बट ऐसे चीज़ें हम इंश्योर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम हो। तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो अगर ये ध्यान में रखे जाए तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स एटलीस्ट कम होंगे लाइफ में। आजकल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना जो शादी के बाद होती है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लोग क्या करते हैं कि उनके पास करेंटली एक जॉब है या बिजनेस है, उसी के भरोसे वो लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन इस कोरोना के टाइम पे, कोविड पेंडेमिक के टाइम पे हम लोगों ने देखा है कि ये जॉब हो या बिजनेस हो, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती। कब किसका जॉब चले जाए, कब कौन सी कंपनी बंद हो जाए, कब किसका बिजनेस बंद हो जाए या लॉस में चले जाए, ये हम नहीं बता सकते। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा सेविंग्स हो, आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो शादी से पहले, ये इंश्योर कर ले ताकि बाद में अगर आपके करेंट इनकम सोर्स में कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास एक सेविंग्स हो जिससे आप कुछ दिनों के लिए अपने घर को चला सकते हो और कहीं पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सब प्लानिंग बहुत ही प्रैक्टिकली करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको शादी से पहले इंश्योर करना चाहिए, ये है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग और दोनों के एक इनकम सोर्स होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है, कोविड के टाइम पे हमने देखा है कि ये जॉब हो बिजनेस हो, ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, ये परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी एक का भी, सपोज एक हस्बैंड या वाइफ, किसी का भी अगर इनकम सोर्स में कोई भी दिक्कत आए तो किसी के पास एटलीस्ट एक इनकम सोर्स हो जिससे वो घर थोड़े दिन के लिए चलता जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो इंश्योर करे कि दोनों वर्किंग हो, दोनों के पास इनकम सोर्स हो आज के प्रेजेंट टाइम पे। अब ये जो दो चीज़ें मैंने बताई, ये हो सकता है कुछ लोगों को ये मटेरियलिस्टिक लगे क्योंकि ये पैसों के बारे में है, जॉब के बारे में है या बिजनेस के बारे में। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको प्रैक्टिकली आज के टाइम पे इंश्योर कर लेना चाहिए अगर आप शादी के बारे में सीरियसली सोचना चाहते हो। एटलीस्ट आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम होंगे, बाकी प्रॉब्लम कम ना हो, एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो कम ही होंगे। अभी मैंने ये तो बता दिया कि शादी से पहले आपको क्या इंश्योर करना चाहिए ताकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो। लेकिन अगर आपने शादी कर ली है और आप ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो ये टॉपिक मैं श्योरली कवर करूँगा अगली वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।